वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस कैलकुलस की नेक्स्ट वीडियो। हमने इससे पहले वाली वीडियो में 4 चैप्टर कर लिया है, अब हम फिफ्थ चैप्टर करेंगे जो कि हमारा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपने ये दो चैप्टर्स कर लिए दैट मीन्स आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने यही क्राइटेरिया दिया है कि आप कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि सिलेक्टेड यूनिट्स करने से अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आई थिंक लूज मार्किंग भी करेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आप यहाँ से गेंस कर सकते हैं। तो देखो क्या आएगा। पहले फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, जैसे कि हमने ना देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ भी पढ़ लिया है, इनफैक्ट पूरा ही पढ़ लिया वो। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ना सिर्फ इसका ओवरव्यू ही है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। तो जैसे कि आप देख भी रहे हो हमारा जो ये मैथ है ना एडवांस कैलकुलस, इसके अंदर सब कुछ टू वेरिएबल्स में ही कह रहा है। जो हमने प्रीवियस वीडियो में लिमिट एंड कंटिन्यूटी स्टडी की है उसमें भी हमारे पास लिमिट और कंटिन्यूटी टू वेरिएबल्स में थी। तो अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, पहले हमने जो वेरिएबल्स में डिफरेंशिएशन पढ़ा है यूजली वन वेरिएबल में पढ़ा है, तो अगर टू वेरिएबल्स में डिफरेंशिएशन करना तो उसको हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा, सपोज करो जेड है, अब वो सिंगल वेरिएबल का नहीं होगा, किसका होगा, एटलीस्ट टू वेरिएबल्स का तो होगा ही होगा। तो इस वाले मैथ में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि टू वेरिएबल्स का ही होना चाहिए, वैसे तो टू से ज़्यादा का भी हो सकता है लेकिन हमारे पास अभी टू वेरिएबल्स का ही कंसेप्ट है तो हम इस चैप्टर में टू वेरिएबल्स के ही पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जेड इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देन वट वी हैव टू डू, अगर हमें जेड का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी निकालना है और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी, तो हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं निकाल सकते डी जेड बाई डी एक्स, क्योंकि z इज नॉट द फंक्शन ऑफ x ओनली, y भी तो है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ये d होता है ना इसका मतलब होता है टोटल डिफरेंशिएशन, बट हम यहाँ पे कर नहीं सकते उसको क्योंकि यहाँ पे y भी रोल प्ले करेगा, तो दैट मीन्स हमें ना यहाँ पे कर्ल z बाय कर्ल x निकालना पड़ेगा, वेयर कर्ल रिप्रेजेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये याद रखना पार्शियल। अब पार्शियल का मतलब क्या होता है, पार्शियल का मतलब हो गया बंटवारा कर दिया उनका, दैट मीन्स जब हम जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे ना उस टाइम पे वाई शुड बी कॉन्स्टेंट, मतलब कि हम कह देंगे जब जेड का एक्स को हिस्सा मिल रहा है ना तो वाई कुछ नहीं बोलेगा बीच में, तो वाई एज ए कॉन्स्टेंट रेट होगा। इसी तरह से हमने जब जेड का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई देन उस टाइम पे एक्स शुड बी कॉन्स्टेंट, क्लियर। तो कोई छोटे से क्वेश्चन करके देख लेते हैं, वहाँ से और क्लियर हो जाएगा, वैसे सभी को पता है कि डेरिवेटिव्स कैसे करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, बिल्कुल बेसिक है, उसने क्या कहा, वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और व्हाट वी हैव टू फाइंड, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, कर्ल जेड बाय कर्ल वाई, दो वैल्यू निकालनी है। चलो ये जेड है तो जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, देखो कितना आएगा। अब ना जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे उस टाइम पे वाई कॉन्स्टेंट है तो ये पूरी वैल्यू कॉन्स्टेंट है इधर, ठीक है। तो कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, इसकी पावर अगर इसको अच्छे से लिखोगे तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस वन बाय टू, यही है ना। तो पावर कम डाउन, पावर में से एक कम और अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो पावर नीचे लिखो और फिर पावर में से एक कम करो, और पावर में से कम किया ये, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव करो, देखो अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे ना टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे टू वाई नहीं लिखना क्योंकि वाई इस टाइम पे ना कॉन्स्टेंट है, तो हमारे पास सिर्फ ये आ गया। अब जो कैंसिल हो रहा आप कैंसिल कर सकते हैं, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर थ्री बाय टू, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से कर्ल जेड बाय कर्ल वाई फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू भी सेम ही आएगी, माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर थ्री बाय टू, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, डबल डेरिवेटिव भी ऐसे फाइंड आउट कर लेना, डबल डेरिवेटिव भी हो जाएंगे। तो इस वाली एक्सरसाइज पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। चलो एक ये क्वेश्चन और देखो, इसमें डाउट हो सकता है, एग्जांपल नंबर 10 है, थोड़ा सा हटके है,
एग्जांपल नंबर 10 में क्या कहा है, x की पावर x, y रेस टू द पावर y एंड z रेस टू द पावर z इज इक्वल टू c, वेयर z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। ये ध्यान रखना z किसका फंक्शन है, x एंड y का है। वेयर c इज कांस्टेंट, c हमारा कांस्टेंट है। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, इस वैल्यू पे कर्ल्स के z बाय कर्ल x स्क्वायर, नहीं x और y है, शुड बी इक्वल टू माइनस x logarithm of ex whole raised to the power minus 1, यही है। तो हमें ये प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, एक तो ना इनका डेरिवेटिव करना काफ़ी टिपिकल लग रहा है, क्योंकि ये जो रिलेशन दे रखा है ना वो पावर्स में भी है, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल। तो हमें एक चीज़ पता है, जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल होना तो हम पहले काम क्या करते हैं, लोगरिथम ले लेते हैं ताकि जो पावर है वो नीचे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड लोगरिथम ले लेते हैं। तो क्या बनेगा, लोगरिथम ऑफ एक्स की पावर एक्स, लोगरिथम ऑफ वाई रेज टू द पावर वाई एंड लोगरिथम ऑफ जेड रेज टू द पावर जेड इज इक्वल टू सी। अब जब पावर है वो आगे आ जाएगी, दैट मीन्स यहाँ पे एक्स, इधर वाई एंड इधर जेड, ऐसे आ जाएगा, है ना। अब हम डेरिवेटिव कर सकते हैं अच्छे से, अब थोड़ा अच्छा सा लग रहा है देखने में। तो डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो एक बार। तो फर्स्ट इक्वेशन आप दे देते हैं इसको, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो भी पार्शियली, ठीक है, वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, फिर लोगरिथम ऑफ एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, देन इसका 0 हो जाएगा। अब इसका करो, क्योंकि ना इसका डेरिवेटिव क्यों होगा, क्योंकि जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो जेड में भी तो एक्स है ना, तो इसलिए कर रहे हैं हम। तो पहले फर्स्ट एज इट इज इसका करो 1 बाई जेड, और फिर जेड का करेंगे कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, देन प्लस लोगरिथम ऑफ जेड एज इट इज और जेड का करो कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, और सी का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से हम कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो निकाल लो यहाँ से कितना आएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास कर्ल z बाई कर्ल x विल बी इक्वल टू, इनको इधर लेके जाएंगे माइनस 1 और माइनस लोगरिथम ऑफ x, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और जो यहाँ से कर्ल z बाई कर्ल x को कॉमन ले लो, 1 बचेगा और प्लस लोगरिथम ऑफ x, सॉरी z, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस लोगरिथम ऑफ z, क्लियर है। इसी तरह से हम ये निकाल देंगे कर्ल z बाई कर्ल y, क्योंकि देखो सब कुछ सेम ही है, सिमेट्री दिख रही है हमें फंक्शन के अंदर, देन माइनस 1 प्लस लोगरिथम ऑफ y प्लस ये आ जाए, ठीक है। चलो अब हमें ना देखो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डबल डेरिवेटिव इनफैक्ट, तो इसका हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल के देखते हैं। तो निकालो कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y, वैसे ना इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जो ऊपर टर्म लेकर किया ना, इसका मतलब ये है कि कर्ल z बाय कर्ल y और इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि पहले विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, देन विद रिस्पेक्ट टू x निकालो, तो आंसर ना सेम आएगा, चेक करके देख लेना। तो हम एक काम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y का विद रिस्पेक्ट टू x करके देखते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वैसे रूल ऐसे ही होता है कि कर्ल के z बाय कर्ल x y हो या फिर कर्ल y x हो, आंसर सेम आएगा। तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं एक बार और विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं, कर्ल स्क्वायर जेड वाई कर्ल एक्स कर्ल वाई। देखो अब इसका करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका तो नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है, तो ऊपर वाली पूरी टर्म को बाहर रख लो, ऐसे हो गया ना, ये हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करना है किसका, इसको ऐसे लिखेंगे हम 1 प्लस लोगरिथम ऑफ वाई माइनस, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसको तो हमने बाहर रख लिया, लेकिन इसका तो डेरिवेटिव होगा ना, क्योंकि z के अंदर x भी है और y भी है, तो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के करो। पहले तो कितना आ जाएगा हमारा, इसकी पावर माइनस 1 है तो माइनस 1 माइनस 2, तो इसको ना ऐसे लिखो, इसको ऊपर लिख लेते हैं 1 प्लस लोगरिथम ऑफ z पूरे की पावर माइनस 1, ताकि डेरिवेटिव करते हुए कोई दिक्कत ना आए, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो क्या करेंगे, पावर माइनस 1 आगे
और फिर उसके पावर में से एक और कम, ठीक है, तो माइनस वन और वन प्लस लॉग जेड रेस टू द पावर माइनस टू, और अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा, वन बाई जेड और कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स। बड़े ध्यान से करना है, माइनस माइनस प्लस होगा, लॉगरिथम ऑफ वन प्लस लॉगरिथम ऑफ वाई, वन प्लस लॉगरिथम ऑफ जेड स्क्वायर और वन बाय जेड है, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स की वैल्यू ये रही, ये भी रखो, क्या गया, आई थिंक ये कैंसिल हो रहा है, एक तो एक कैंसिल कर देते हैं, कुछ मिस्टेक किया आई थिंक हमने, हाँ 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 इसकी पावर माइनस टू थी तो ये हमारा नीचे की साइड आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, देखो करते हैं अच्छे से, एक तो ये लिखा हमने वन बाय जेड, एक ये है इसकी पावर वन प्लस लॉग जेड, इसकी पावर थी माइनस टू, दैट इज नीचे आगे प्लस की टू हो जाएगी, तो इसको लिखो वन प्लस लॉग जेड एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस लॉगरिथम ऑफ जेड, ये बन गया, तो अब कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे नीचे पावर तीन है और ऊपर ये आ गया अलग से, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में था ना, तो यहाँ पे हो गया थ्री, तो दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू आ गई। अब देखो क्या कहा है उसने, ये हमारा आंसर आ गया, बट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड पुट करना है, स्टेटमेंट में गिवन है, तो सारे में ना एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड रखना है, तो जहाँ पे जेड है वहाँ पे भी एक्स रख दो क्योंकि आंसर एक्स में चाहिए, और जहाँ पे वाई है वहाँ पे भी ऐसे ही कर लो, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, इसको अच्छे से लिखेंगे तो वन बाई एक्स हो गया ये रहा, और यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस वन बाई वन इंटू लॉग एक्स, यहाँ पे भी वही है तो इसकी पावर टू, और नीचे क्या हो जाएगा इसकी पावर तीन, तो वन प्लस लॉग एक्स रेस टू द पावर थ्री, तो कैंसिल कर दो, एक पावर बच जाएगी वो भी नीचे की साइड, दैट इज पावर माइनस वन, ये आ गया, ठीक है। चलो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स और वन प्लस लॉग एक्स पूरे की पावर माइनस वन, क्योंकि एक्स की भी पावर माइनस वन ही है। अब ना थोड़ा सा अरेंज करना है क्योंकि यहाँ पे है लॉगरिथम ऑफ ई इंटू एक्स, तो वन को हम लॉगरिथम ऑफ ई लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे कर लो वन एक्स लॉगरिथम ऑफ ई प्लस लॉगरिथम ऑफ एक्स और होल रेस टू द पावर माइनस वन, तो ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यही हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, साथ में माइनस भी चल रहा था, हमने माइनस लिखा नहीं है, वो ध्यान रखना उसका, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। चलो अच्छा, इस टाइप से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव था इसके अंदर और कुछ नहीं था। अब हम नेक्स्ट करते हैं आयलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। आयलर बहुत फेमस मैथमेटिशियंस था, उसने काफ़ी सारी थ्योरम्स बना रखे हैं, आपने देखी भी होंगी, नंबर थ्योरी में भी आई हैं काफ़ी सारी, और आगे भी आते ही रहेंगे, मतलब कि ये हमें मतलब पूरे ग्रेजुएशन तंग करते रहेंगे। तो देखो ये है होमोजीनियस फंक्शन के लिए आयलर थ्योरम, तो पहले होमोजीनियस फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। जैसे हम प्लस वन टू में पढ़ते थे ना, होमोजीनियस फंक्शन में ये बताया जाता था कि जिसमें डिग्री सेम हो सारी जगह देखने में, सपोज को ऐसे लिख दिया हमने, ऐसे लिखो, मान लो ये लिख दिया, तो ऊपर भी डिग्री वन है नीचे भी डिग्री वन है, तो हम ये कह देंगे दिस इज होमोजीनियस फंक्शन। लेकिन असली में ना ये होमोजीनियस फंक्शन होता तो है, बट ये एक पर्टिकुलर टाइप का है ऑफ डिग्री वन, ये किसका है, सिर्फ ऑफ डिग्री वन का है। अब हम क्या है, अब हम थोड़ी बड़ी क्लास में हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, डिग्री एन का पढ़ेंगे, ठीक है, कि डिग्री एन का होमोजीनियस फंक्शन किस टाइप का होता है। तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास जो भी फंक्शन होगा उसको हम किस तरह से रिटर्न कर पाए, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई शुड बी रिटर्न एज एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स, या फिर ऐसे एक्स बाई वाई, इस तरह से अगर लिख पा रहे हैं ना
मतलब कि यहाँ पे अगर एफ वन लिख लो, तो यहाँ पे अगर हमारे पास इस तरह से हो जाए कि अंदर पूरा फंक्शन या तो वाई बाई एक्स का या फिर एक्स बाई वाई का बच रहा है, देन और एक्स की पावर कितनी भी बाहर आए, ठीक है, तो उतनी ही डिग्री का हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है। तो यहाँ पे अब देखो, सॉरी ये डिग्री जीरो है, इसकी कोई डिग्री नहीं थी क्योंकि यहाँ पे एक्स कॉमन आके वो कैंसिल हो जाता था। जैसे कि यही क्वेश्चन ले लो, अभी इसमें से क्या करेंगे हम, एक्स को कॉमन ले लेंगे, एक्स को ऊपर से कॉमन लो तो वन प्लस वाई बाई एक्स, नीचे से कॉमन लेंगे एक्स वन माइनस वाई बाई एक्स, है ना, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया ना, और ये जो पूरा फंक्शन है इसमें ना देखो सारी जगह ना वाई बाई एक्स ही है। अगर कुछ और होता ना, सपोज करो वाई स्क्वायर आ जाता है एक बार, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है हम कह देते कि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ आ नहीं रहा, दैट मीन्स दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आएंगे अभी क्वेश्चन करेंगे जब, तो इसके बेस पे कुछ थ्योरम्स हैं। पहले तो एक आयलर थ्योरम है, वो करते हैं। आयलर थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई भी होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री एन इन टू वेरिएबल्स, देन मान लो ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है और डिग्री एन का है, होमोजीनियस फंक्शन है, देन हमें प्रूव करना है एक्स इंटू कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस वाई इंटू कर्ल यू बाई कर्ल वाई शुड बी इक्वल टू एन इंटू यू। वेरी फेमस थ्योरम, मतलब काफ़ी छोटी भी है और प्रूफ भी करनी आती है काफ़ी टाइम्स, तो प्रूव करते हैं फटाफट से। अब क्योंकि यू हमारा होमोजीनियस फंक्शन है तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, वाई बाई एक्स, ठीक है, ये वाई बाई एक्स है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब बस इसका डेरिवेटिव करो, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स निकाल लो, कर्ल यू बाई कर्ल वाई निकाल लो। तो निकालते हैं यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्योंकि ना देखो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, दिख रहा है ना हमें साफ, तो करो पहले फर्स्ट एज इट इज इसका डेरिवेटिव एफ डैश वाई बाई एक्स एंड देन अंदर वाले का डेरिवेटिव। अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, देन सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। तो हमने पहले एफ ऑफ वाई बाई एक्स को एज इट इज रखा और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। चलो अब वैसे तो इसने कहा है कि इसकी एक्स से मल्टीप्लाई करनी है, तो एक्स से मल्टीप्लाई और कर देते हैं साथ ही साथ, कर दो, यहाँ पे एन प्लस वन हो जाएगा और इधर एन हो जाएगा, है ना, एन माइनस वन था, एक एक्स से मल्टीप्लाई कर दी तो एन पावर होगी। अब यहाँ पे कर लो बाई कर वाई और निकालो, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, ये इसका डेरिवेटिव नहीं होगा आपकी बार क्योंकि इसमें वाई कहीं नहीं है, तो ये एज ए कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर एन एज इट इज। अब हमें अंदर वाले का डेरिवेटिव करना है, तो एफ डैश वाई बाई एक्स एंड देन अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे ना, तो वाई का डेरिवेटिव वन है और वन बाई एक्स एज इट इज ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई वाई के साथ करनी है, तो हमारे पास यहाँ पे भी वाई आ जाएगा और इधर भी वाई लिख लो, ठीक है, या फिर इस साइड लिख लो यहाँ पे इधर वाई। तो चलो हमारे पास ये टर्म आ गई, अब क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लेके आओ, तो देखो क्या वैल्यू बनने वाली है। एक तो इसको सॉल्व करो, कितना बनेगा हमारे पास, एक्स की पावर एन है और यहाँ पे माइनस है क्योंकि ये डिवाइड में है ना, तो ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर हो जाएगी, तो एन माइनस वन लिख दे इसको, और साथ में वाई आएगा, देखो ये रहा वाई, देन एफ डैश वाई बाई एक्स, ये टर्म हो गई। अब इसको और सॉल्व करो, लास्ट वाली टर्म अच्छे से है सॉल्व है वो, इसको देखो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, इसमें है एक्स की पावर एन प्लस वन लेकिन नीचे ना एक्स की पावर टू भी है, तो उसको ऊपर लेके आओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो दैट मीन्स यहाँ पे माइनस टू लिख दें, साथ में माइनस वाई भी है तो माइनस वाई भी लिख दिया, और उसके बाद एफ डैश वाई बाई एक्स, ठीक है। अब देखो एक्स की पावर प्लस वन माइनस टू, तो माइनस वन बच गई, दैट इज यहाँ पे ये, और लास्ट वाली टर्म एज इट इज लिख लेते हैं, एफ ऑफ वाई बाई एक्स और साथ में एन और एक्स की पावर है, ये हमारे पास ऊपर वाली टर्म है ये वाली, और ये है एक्स इंटू कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, देन वी हैव टू ऐड दीज टू इक्वेशंस। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा, एक्स इंटू कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस वाई इंटू कर्ल यू बाई कर्ल वाई इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखो, ये वाली टर्म एंड इससे ऊपर वाली टर्म सेम है ना, बट अपोजिट इन साइन, दैट मीन्स दे आर कैंसल टू ईच अदर, ये इससे कैंसिल हो गई, सिर्फ ये वाली टर्म बची है, तो
एन एक्स की पावर एन और एफ ऑफ वाई बाई एक्स, ये टर्म बच गई। और यही हमारी वैल्यू किसकी है, देखो यू की, तो एन इंटू यू। हमें यही प्रूव करना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है और काफ़ी छोटी भी है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको प्रूव। इसके बेस पे क्वेश्चंस भी हैं, वो भी करते हैं अभी। आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी, फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना। जैसे कि ये क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई और बी वाई स्क्वायर। ये हमारे पास यू गिवन है, हमने मान लिया, मतलब यू ही माना है इसको। तो पहले तो ये देखो कि ये होमोजीनियस है या नहीं है और इसकी डिग्री कितनी है। उसने कहा है कि वेरीफाई आयलर थ्योरम है ना, तो हम इसको यही देखते हैं। तो यू का डेरिवेटिव, पहले तो एक बार यू देखो कि क्या इस टाइप का लिखा जा रहा है, इस टाइप से ये देखते हैं। तो जितने भी x कॉमन आ सकते हैं ना, उतने x कॉमन ले लो। x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो हम x की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। x raised to the power 2 बाहर ले लिया, a h 2 h y by x आ गया, और यहाँ पे b y square by x square है ना। अब ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये जो पूरा फंक्शन है ये किसका है, y बाई एक्स ही दिख रहा है ना हर प्लेस पे, तो इसका मतलब हमारे पास x की पावर n f ऑफ y बाई एक्स आ चुका है, वेयर n की वैल्यू हमारी कितनी आई, 2। n कितना है, 2। तो अब हमें आयलर थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि x इंटू कर्ल u बाई कर्ल x प्लस y इंटू कर्ल u बाई कर्ल y शुड बी इक्वल टू n इंटू यू, दैट इज 2 इंटू यू आएगा, है ना। तो देखो निकाल के देखते हैं, u का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, करो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 2 ए एक्स, इस साइड करेंगे 2 एच वाई, इसका करेंगे 0। और इसमें देखो अब कर्ल u बाई कर्ल y निकाल लो, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे 2 एच एक्स आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाली टर्म में तो y है ही नहीं। इसी तरह से नेक्स्ट का करो तो 2 बी वाई हो गया। अब जो आयलर थ्योरम है वो क्या कहती है कि फर्स्ट वाले की x से मल्टीप्लाई सेकंड वाले की y से, तो इसकी x से कर दो और इसकी y से कर दो और फिर बोथ को ऐड कर लो। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इंटू कर्ल यू बाई कर्ल x प्लस y इंटू कर्ल यू बाई कर्ल y विल बी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस ये भी 2 है ये भी 2 है, तो 2 2 4 h x y plus b 2 b y square। तो सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, a x square 2 h x y और प्लस b y square, और यही वैल्यू हमारी किसकी थी, u की। तो हमने प्रूव कर दिया, तो दैट मीन्स आयलर थ्योरम हमारी वेरीफाई हो चुकी है। तो पहले तो हमें यही दिखाना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है भी या नहीं है, तभी हम आयलर थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। देन हमें उसकी डिग्री निकालनी है, डिग्री कितनी आई, 2 आई, तो फिर हमने उसको वेरीफाई करके दिखा दिया। इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू इज इक्वल टू, साइन इनवर्स है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई, एंड वी हैव टू प्रूव दैट एक्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई शुड बी इक्वल टू टेंजेंट यू दिस। तो ना इसमें ध्यान से देखेंगे ना, तो हम ये नहीं कर पा सकते कि एक्स स्क्वायर ऊपर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो नीचे से एक्स को, क्योंकि साइन इनवर्स हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि साइन के एंगल से बाहर तो लेके नहीं आ सकते ना, तो दैट मीन्स ये साइन अभी प्रॉब्लम कर रहा है, इनवर्स में हो चाहे सिंपल हो। तो हम एक काम करेंगे, ये जो इनवर्स वाला ना इसको इस साइड ले आएंगे, दैट इज दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने क्या कर दिया, साइन अप्लाई कर दिया बोथ साइड,
तो साइन यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब ये जो फंक्शन है ना, इसको कुछ और मान लेते हैं, सपोज करो वी है, तो वी देखो वी अभी ये आ गया, तो वी तो होमोजीनियस है ना, तो हम वी पे आयलर थ्योरम लगाएंगे ना कि यू पे, ये ध्यान रखना। तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा, इसकी चिंता नहीं करनी हमने, लेकिन पहले होमोजीनियस बनाएंगे ठीक है, तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, अब ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे से एक्स, तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे से एक्स, तो हमारे पास वन प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर और नीचे वन प्लस वाई बाय एक्स, ये टर्म आ गई। तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, दैट इज एक्स की पावर वन आ गया ये, तो ये हमारा पूरा फंक्शन आ चुका है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि एन की पावर कितनी आई, वन, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पावर बचती है ना एक्स की, वही हमारे पास क्या होती है, उसकी डिग्री होती है, एन की वैल्यू वन आ गई। अब क्योंकि वी इज अ होमोजीनियस फंक्शन, यू नहीं है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री वन डिग्री का है, देन अप्लाई होमोजीनियस आयलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन ऑन वी, ठीक है। तो आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लगा देते हैं, आयलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शंस, वी एक्स कर्ल वी बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल वी बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू एन की वैल्यू वन आई है, तो वन इंटू वी, दैट इज वी, तो ये हमारा लगेगा। तो लेकिन हमें ना देखो प्रूफ तो यू में करना है, तो हम वी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितना आएगा, एक्स कर्ल बाय कर्ल एक्स, वी की वैल्यू क्या थी, साइन यू प्लस वाई कर्ल बाय कर्ल वाई, यहाँ पे भी साइन यू इज इक्वल टू साइन यू। अब हमें डेरिवेटिव करना है साइन यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर साइन यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या वैल्यू आएंगी, क्योंकि देखो फंक्शन है यू का और डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो चेन रूल लगा सकते हैं, लगाओ इधर एक्स साइन का डेरिवेटिव कोस कोस यू, और फिर यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, चेन रूल यही कहता है हमें, देन कर यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कोस यू कर्ल यू बाय कर्ल वाई एंड दिस इज इक्वल टू साइन यू। तो देखो दोनों टर्म में से ना कोस यू कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके साइन यू के डिवाइड में भेज देते हैं इसको, तो एक्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू साइन यू बाय कोस यू विच इज इक्वल टू टेंजेंट यू एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव। देखो एक्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू टेंजेंट यू। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, मतलब काफी अच्छे क्वेश्चन है, पहले हमें होमोजीनियस बनाना है, इस तरह का एक क्वेश्चन टेंजेंट में भी है, तो आप ट्राई करके देख लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता देना, और अगर कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके बाद तो ना आगे डेरिवेटिव करनी ही है, तो वैसे तो डेरिवेटिव आपको आते भी होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बता देना, इससे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज की वीडियो हम तभी बनाएंगे जब आपकी थोड़ी डिमांड होगी, नहीं तो हम 6 चैप्टर करेंगे फिर, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम नियर है ना सभी का, तो फटाफट से करते हैं सारा सिलेबस, तो 6 चैप्टर करेंगे, अगर कोई डाउट हो तो बता देना, उस पर भी फिर नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पर वीडियो बन जाएगी फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।